दमोह जिला मुख्यालय के स्टेशन चौराहे के समीप स्थित होटल अरिहंत रेसिडेंसी में हुए विवाद के बाद होटल मालिक सहित यात्रियों के साथ अन्य लोग भी कोतवाली पहुंचे और उनके द्वारा यहां पर मामला दर्ज कराया गया है। क्या कुछ हुआ है यहां पर, पूरा घटनाक्रम हम आपको सुनाते हैं यात्रियों और होटल मालिक की जुबानी। आचार्य से दर्शन करने के लिए और बड़े बाबा जो कुंडलपुर में विराजमान है दमोह जिले के अंदर, उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। उनका महामस्क अभिषेक चल रहा है, उसको करने के लिए आए हैं। तो हमारी चाची लगती हैं मिसिज हेमा जैन। हम यहाँ पर होटल अरिहंत रेसिडेंसी में रुके, 7:00 कुछ मिनट पे हमने यहाँ पे एंट्री करी और सुबह हमें आचार्य श्री विद्यासागर जी जो रैली में विराजमान है, सुबह हम वहाँ निकल जाएंगे 5 बजे। तो हमने होटल में रूम लिया, 2 रूम लिए हमने, और रूम लेने के बाद में सबसे पहले हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद में हम लोग टहलने के लिए चले गए और 10 बजे तो 9:30 बजे करीब हम लोग रूम में आए। तो इन्होंने ये कहा, हमने कहा कि हम रूम में गए तो वहाँ पे ना पानी था ना एक्स्ट्रा बेड लगाया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मैं नीचे आया, मैंने कहा हमें एक रूम ऊपर दे दीजिए आप एक ही फ्लोर पे। तो हम इनके मैनेजर से बात करी तो मैनेजर ने हमारे से बदतमीज़ी करी और कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मालिक नहीं हूँ। जब आप मालिक नहीं हो तो कुर्सी पर कहाँ बैठे हो। उसके बाद मैं मालिक आए, मालिक ने आके मेरा गिरवान पकड़ा और मेरा कुर्ता फाड़ा, मेरा कुर्ता भी फट गया, ये देखिए। फिर बोले ये टुच्चे आदमी है, ये हैं। मैंने, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, क्या व्यापार है मेरा। उसके बाद में मेरी चाची अपने रूम में कपड़े पलट रही थी, ये होटल के मालिक, क्या नाम है इनका मैं नाम नहीं जानता, अरिहंत रेसिडेंस इनके मालिक और इनके नौकर उस रूम में गए और लेडीज़ को कपड़े पकड़ते हुए कमरे में धक्का मारा और लेडीज़ परेशान हुई, लेडीज़ के साथ बदतमीजी करी, हमारी चाची की साड़ी खींची। उसके बाद हमारी आपस में बहस हुई, उसके बाद हमने जो है यहाँ पे मीडिया बुलाया और हमने जो है पुलिस बुलाई। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, जब अभी मैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया हूँ इनके नाम में, तो ये हमारी कुछ सामान किस लिए कर रहे हैं जब इनकी गलती नहीं है। और होटल में पूरा कैमरा लगा हुआ है, आप पूरी फुटेज देख सकते हो, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, इनको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम इतनी दूर से 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, हम यहाँ पर लड़ने के लिए थोड़ी आए हैं, हम यहाँ पे कुंडलपुर पहली बार थोड़ी आए हैं, हम 20 बार कुंडलपुर आ चुके हैं। अपने आगे जैन लिखते हो और जैन होने का ये परिचय देते हो कि 1000 किलोमीटर से दूर से कोई आदमी आता है और वो आपका अतिथि है और तुम उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते हो। क्या हमने इनसे कोई पैसे में कमी रखी, क्या हम कोई भूखे नंगे हैं जिस तरह का इन्होंने हमारे साथ व्यवहार करा, ये एक शर्मनाक काम है MP की गवर्नमेंट के लिए। मैं इसके बाद में एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर पुलिस आई, उन्होंने हमारी बात सुनी, मैं पुलिस का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। दूसरी बात, उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने कहा जैन साहब वो हमें गाड़ियाँ बिठा कर लाए, सादर तरीके से अच्छे गाड़ियाँ बिठा कर लाए, मैं इनके नाम की रिपोर्ट करूँगा। और दूसरी बात, इन्होंने बिना ID के हमें रूम दिया, ये अपने होटल में बिना ID के रूम दे रहे हैं, जो कि हमें वहाँ बाहर के आदमियों ने बताया कि वहाँ बिना ID से गलत काम भी हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आकाश जैन, मेरठ निवासी। हमने कोई उत्पाद नहीं मचाया, जब हम होटल में गए हमने 2 रूम लिए थे, हमने खाना खाया, उसके बाद हमने इनसे बोला आप रूम रेडी करा दीजिए, उसमें सारे गद्दे वद्दे डरवा दीजिए, सारी चीज़ डरा दीजिए और हम अभी आ रहे हैं 1/2 घंटे में। आने के बाद हमने इनसे कहा ना तो रूम का AC चला, ना पानी था, ना वहाँ पे कोई गद्दा था, कुछ नहीं चला, और इन्होंने हमको रूम दे दिया ऊपर नीचे। हमसे कह रहे एक रूम ऊपर है एक रूम नीचे है। उसके बाद हमने कहा इनको एक ही फ्लोर पर रूम दे दो हमको, तो इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने बोला कोई रूम नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने इनको कहा कि आप रूम खाली कर दो, हमारे पैसे वापस दे दो, हम चले जाएंगे। तो इन्होंने कहा कोई पैसा वापस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे और लेडीज़ के साथ बदतमीजी करने लगे। तब हमारी थोड़ी इनसे बहस हुई, फिर हमने कमरे में, फिर उसके बाद हम इन्होंने कहा खाली कर दो, तो हमने खाली करा, तो इतने में इनके जो लेबर है वो आ गई, वो रूम में घुसने लग रही है। मेरी मदर कपड़े चेंज कर रही थी वहाँ, और आके रूम में घुसने लग रहे हैं ज़बरदस्ती, कह रहे हैं पापा का हाथ पकड़ के धक्के दे रहे हैं, कह रहे हैं निकलो बाहर, गाली गलौज कर रहे हैं, कॉलर पकड़ रहे हैं, इनका कुर्ता भी फट गया, खींचतानी कर रहे हैं, पूरी बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पूरी साड़ी खींच रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कैमरे में, और बिना पहचान पत्र के। और बिना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव जैन है, वैभव जैन। मदर का नाम? हेमा जैन। कुछ नहीं भैया, हम लोग मेरठ से आए थे यहाँ पर दर्शन के लिए, यहाँ दमोह में रुके थे,
8:30 बजे हम लोग आए हैं, 9:15 बजे तक हमने खाना खाया। उसके बाद हम इनको ये बोल के चले गए कि हम आधा घंटे के लिए टहलने जा रहे हैं और आप लोग रूम को साफ करवा दीजिएगा और गद्दा डलवा। आकर एक रूम की चाबी हमारे पास थी, वो चाबी हमने लेके मैं ऊपर रूम में चली गई, दूसरे रूम में ये लोग बच्चे चले गए। सिर्फ मैंने वहाँ पर जाके लगेज रख के अपना चेंज किया था, नीचे से चिल्लाने की आवाज़ें आई तो एकदम से देखा, बच्चों ने बताया, मेरा बड़ा बेटा भाग के आया कि मम्मी चेकआउट करना पड़ेगा, यहाँ पर बदतमीजी हो। चेंज करने जब ये बताओ, मैंने चेंज कर लिया था, उसके बाद वापस मैं बाजार में नाइट ड्रेस में तो नहीं आ सकती, मैंने वापस अपनी ड्रेस चेंज करी, इनके लोग आते हैं दो लोग कि जो है रूम खाली करो। बच्चों ने मेरे दो बार उनको रोका कि रुक जाओ, लेडीज़ चेंज तो कर लें, बट ये नहीं माने, अंदर घुसे जा रहे हैं। फिर बच्चों ने धक्का दिया मुझे, जबरदस्ती धक्का देके दरवाजे बंद करें कि इनको आप चेंज तो करने दो। तो ये कौन सी तरीका है? उसके बाद फिर मालिक ने बदतमीजी करी कि इनको जो है बाहर निकालो, धक्का दो यहाँ से, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, ये भूखे नंगे हैं, बदतमीज हैं, बदतमीजी करने ही आते हैं, क्या हम लोग ऐसे दिखते हैं? जिस धरती पे आचार्य श्री के चरण पड़े हैं, सिर्फ हम अपने भाव से यहाँ आए थे कि आचार्य श्री के दर्शन करने हैं, हमें क्या मिला? उनकी जगह हमने आके और यहाँ पे पाप कमाया। और ये सब मतलब जो लेडीज़ आज तक कभी थाने में नहीं गई उसको पुलिस थाने में आना पड़ा, और जैनी भाई होकर। और उसके बाद अब हमसे ये कह रहे हैं कि यदि आप हमारी रिपोर्ट करोगे तो आपको आना पड़ेगा, आप रिपोर्ट मत करो। क्यों? पहले तो कह रहे हैं हमारी कोई गलती नहीं है, यदि इनकी गलती नहीं है तो ये क्यों कह रहे हैं आप रिपोर्ट मत करो? पूरा टाइम इन्होंने हमारे खराब करा, सुबह 4 बजे हमें चेकआउट करना था। क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती हेमा जैन, मेरठ से हैं हम। आप भी यहाँ पहुँचे? संक्षिप्त में मामला ये है कि ये लोग मेरठ से आए थे, गाड़ी 8:30-9 बजे पहुँची, तो सबसे पहले उनको होटल की ज़रूरत थी कि कमरा बुक कर लें, तो उन्होंने एक कमरा नीचे दिया, एक ऊपर दिया, और वो बच्ची को कमरा नीचे दिया। अब ये कुछ खा पी के जाने लगे कि जाएंगे, इनको फिर कुंडलपुर जाना है, उसके बाद दर्शन करना है। ये मंदिर की व्यवस्था जो आते हैं मंदिर के लिए पूरे लोग, उनके लिए होटलों में विशेष व्यवस्था की जाती है, उनको सुविधाजनक ढंग से रखना हमारा भी एक जैन होने के नाते कर्तव्य बनता है। ऐतिहासिक अवसर था ये पंच कल्याण का। उसके ठीक विपरीत वो जब वो अपने कपड़े बदल रही थी तब ये कमरे में उठी, उससे जो है वो एकदम चीखी चिल्लाई और बात बढ़ गई, और ऊपर से बुलाया, सब कुछ किया, आ गए, लेकिन उससे वो बहुत घबरा गए। घबराने के बाद जो कहा सुनी हुई तो उनको लगा कि नहीं, अब हम अपनी रिपोर्ट करें, कोई सहारा नहीं। हम लोग के पास खबर पहुंची कि नहीं, ऐसे ऐसे यात्री आए हैं, उनके साथ ये बड़ी बदतमीजी हो चुकी है, अप्रिय घटना घट चुकी है, तो हम यहाँ पर निवेदन करने आए हैं पुलिस अधिकारियों से कि भाई उनकी जो भी फरियाद है, जो भी FIR है, वो लिखी जाए, और लिखी जाए और थोड़ा जल्दी लिखी जाए, क्योंकि ये लोकल के लोग नहीं है कि भाई आप रात भर बैठा लो तो बैठे रहेंगे। अब वैसे भी मर्यादा है, आप महिला को ज़्यादा बिठा नहीं सकते। अब देखो, हमने खबर की है, SP साहब को की है, TI साहब को भी कराई है, CSP को भी की है, अब कौन यहाँ आता है, कौन निपटाता है, यहाँ तो अच्छी खासी भीड़ है, महिलाएं बैठे हैं, उनके बैठने की भी समस्या। जी कुछ ग्राहक हैं जो मेरठ के हैं आपके होटल में? हमारे रूम में 7:30-8 बजे इनकी एंट्री हुई थी, उस समय इनको दो रूम इनको दिए गए थे, 103 फर्स्ट फ्लोर का और सेकंड फ्लोर का, इनको दोनों रूम बड़े हुए, 7 लोग रुके हुए थे, 2500 रुपये में इनसे बात की, इन्हें 2500 रुपये एडवांस दे दिया था, इसके बाद खाना भी खाया था, फिर मैं होटल से घर चला गया था। हमारे मैनेजर रवि जैन बैठे हुए थे, इनका अचानक 10:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि बहुत वहाँ लड़ाई झगड़ा मचाए हुए हैं, उल्टा सीधा बक रहे हैं, और कैमरे वगैरह अपने सब लगे हुए हैं, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि हमारा मोबाइल चोरी हो गया, हमारी मैडम के साथ ऐसा हुआ। मैं तुरंत आया, उसके बाद सीधा मैं इनने बोला कि आप लोग मान ही नहीं रहे थे, मैंने कहा भैया जो भी हो देखो आप ऐसा क्या स्थिति है, मान ही नहीं रहे थे, अनर्गल कुछ भी आरोप लगाए जा रहे कि होटल स्टाफ ने ऐसा किया हमारे साथ, इनने ऐसा किया वैसा किया, पानी महिलाओं के साथ बदतमीजी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सब अनर्गल आरोप। हमारे यहाँ CCTV पूरे कैमरे की फुटेज है, आप पूरी CCTV कैमरे की फुटेज लगा ली, इनने भले ही हमारे साथ कालर पकड़ी कुछ, हम बिल्कुल सब्र नॉर्मल भाव में रहे आए, मैंने कुछ नहीं बोला उनसे, कौन है भैया जो भी हो
मेरठ के कुछ हैं, एंट्री उसमें पड़ी हुई है, हर्ष जैन के नाम से एंट्री है, 7 लोग रुके हुए थे। हमने कुछ नहीं किया, मैंने कहा भैया आपको जो करना हो आप होटल में और जगह आप तमाशा मत मचाइए, उल्टी सीधी गाली गलौज ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस मंत्री का मैं टच का हूँ, ये हूँ कालर पकड़ी ये पकड़ी, इसलिए इस टाइप के आरोप लगा रहे हैं, उल्टी सीधे आरोप। मैं तो था ही नहीं उस समय, मैंने बताया मैं तुरंत वापस आ गया वहाँ से।